ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अक्टूबर मंथ जो है वो एंड हो चुकी है और सैमसंग ने काफ़ी सारे स्मार्टफोन के लिए फाइनली अक्टूबर की अपडेट जो है वो रिलीज़ कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि सैमसंग के कौन कौन से स्मार्टफोन्स के अंदर फाइनली अक्टूबर की अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल चुकी है। तो अगर आप लोगों के पास है सैमसंग का डिवाइस तो यार आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आप लोगों का डिवाइस का नाम भी इस अपडेट लिस्ट में इंक्लूड हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट की हो यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर और आप लोगों को वेबसाइट के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली बताऊंगा कि कौन कौन से डिवाइस के अंदर अक्टूबर 2021 की अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल चुकी है। एंड गाइस, यहाँ पे हम बात करें अक्टूबर अपडेट लिस्ट के बारे में कि सैमसंग के कौन कौन से डिवाइस के अंदर फाइनली अक्टूबर की अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल चुकी है। तो सबसे पहला सीरीज जो यहाँ पे निकल के आता है वो गाइस एस सीरीज निकल के आती है, जिसमें यहाँ पे S21, S21 प्लस, S20 अल्ट्रा के अंदर अपडेट आ चुकी है। बात करें अगली सीरीज के बारे में तो अगली सीरीज निकल के आती है S20 सीरीज, जिसमें गाइस यहाँ पे S20, S20 प्लस एंड S20 अल्ट्रा के अंदर अपडेट आ चुकी है। बात करें अगले डिवाइस के बारे में तो अगला डिवाइस यहाँ पे निकल के आता है Note 20, Note 20 अल्ट्रा, गैलेक्सी A50, S20 FE, S20 FE 5G एडिशन, सैमसंग गैलेक्सी F62, सैमसंग गैलेक्सी टैब एक्टिव 3, सैमसंग गैलेक्सी Note 10, Z Fold 3, Z Flip, सैमसंग गैलेक्सी A52, A51, A31, सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite, सैमसंग गैलेक्सी A71, टैब S7, सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 मॉडल। जी हाँ गाइस, सैमसंग के इन्हीं कुछ डिवाइसों के अंदर अक्टूबर की अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल चुकी है। तो इस अपडेट लिस्ट में अगर आप लोगों का डिवाइस का नाम इंक्लूड है तो आप लोग अपने फोन के अपडेटेड ऐप में चेकआउट करो, फाइनली आप लोगों को अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल चुकी होगी। एंड यार ये अपडेट जो है वो आप लोग कर सकते हो, बिकॉज इस अपडेट के अंदर आप लोगों को काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप लोगों के पास सैमसंग का डिवाइस और इस अपडेट लिस्ट में अगर आप लोगों का डिवाइस का नाम इंक्लूड है तो आप लोगों के डिवाइस के अंदर न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल चुकी होगी। तो यही थी अपडेट लिस्ट अक्टूबर की कि सैमसंग के कौन कौन से डिवाइस के अंदर अक्टूबर की अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल चुकी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही यार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।